रिएक्शंस तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज डील्स एल्डर रिएक्शन। सो डील्स एल्डर रिएक्शन है क्या? सो ये एक मेथड है जिससे प्रोड्यूस होता है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक इसको हम बोल सकते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसका नेम जो दिया गया है दैट इज गिवन बाय साइंटिस्ट ओटो डील्स एंड कर्ट एल्डर। सो इनके नाम पे इस रिएक्शन का नेम है, ठीक है। सो इनको 1950 में रिसीव हुआ था नोबेल प्राइज ड्यू टू देयर एक्सपेरिमेंट्स। तो अब हम स्टडी करते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन है क्या। सो डील्स एल्डर रिएक्शन जो है, डील्स एल्डर रिएक्शन इज अ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बेसिकली ये क्या है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन हम अपने पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली होने वाला क्या है, एक तो हमारे पास होने वाला है यहाँ पे डाईईन, 1,3-डाईईन, मतलब 1 और 3 के ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। एंड सेकेंडली हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है एल्कीन और एल्काइन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डाइनोफाइल्स, ठीक है। सो इनके बीच में रिएक्शन होगी और हमको एक साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो हम डाइन कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है यहां पे हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस इथीन, ठीक है। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। सो यहां पे 1 और 3 के ऊपर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, एंड दिस इज एल्कीन। अब यहां पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा एंड ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहां पे है हीट, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, हमारे पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। ये बॉन्ड जो है यहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड ये बॉन्ड यहां मूव हो गया तो यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड ये बॉन्ड क्या हो रहा है यहां पे मूव कर रहा है तो यहां पे भी एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया, एक साइक्लिक प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमको डील्स एल्डर रिएक्शन के अंदर एक साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइक यहां पे हमारे पास 1,3-डाईन प्रेजेंट है, 1,3-ब्यूटाडाईन प्लस इथीन मॉलिक्यूल, और यहां पे हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है, देन यहां पे हीट। तो यहां पे अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये शिफ्ट होगा यहां पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा एंड ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। किस तरीके से, लाइक ये हमारे पास बॉन्ड है, यहां पे ये सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने, यहां पे एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये क्या हो गया, ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम डैश लाइन से दिखा देते हैं, एंड यहां पे जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम शो करेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड देन यहां पे क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है यहां से फिर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहां से क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन ये जो बॉन्ड है यहां पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो यहां से तो बॉन्ड का ब्रेकेज स्टार्ट हो गया एंड यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से यहां पे भी क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट यहां पे हमारे पास बन गई है। तो अब यहां पे हमको मॉलिक्यूल कौन सा मिलेगा, लाइक ये मॉलिक्यूल मिलेगा एंड यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड यहां पे हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमको डील्स एल्डर रिएक्शन के अंदर साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, तो यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज यहां पे CH2 CH2 H H प्लस
डाईन एंड दिस इज डाइनोफाइल। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाईन होते हैं डाईन, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। और जो डाइनोफाइल होते हैं डाइनोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन पुअर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो डाइनोफाइल होती है उसके ऊपर हमारे पास क्या आ सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है किसके ऊपर, डाइनोफाइल के ऊपर, डाइनोफाइल। सो यहाँ पे क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो किसके ऊपर, डाईन के ऊपर, क्योंकि डाईन हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम इसके ऊपर लगा दे डाईन के ऊपर, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हीट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा एंड सॉरी यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड लगे हुए हैं 1,3-diene। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा दैट इज दिस एंड ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया बॉन्ड एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है CHC OH CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास CH2। सो ये तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अगर हम बात करें इसकी डाइनोफाइल की, सो डाइनोफाइल हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो सकता है, लाइक ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइक CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव CH3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमारे पास बन सकता है। सो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डबल बॉन्ड
ये कार्बन यहाँ पे आ गया है हमारे पास, तो ये कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक COOET, यहाँ पे भी हमारे पास COOET, COOET, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों ग्रुप है ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया, एंड ये भी हमारे पास सिस फॉर्म में है, तो अगर यहाँ पे हम इस H को डैश से शो कर रहे हैं तो नीचे वाला H भी हमारे पास डैश से ही शो करेंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हमारे पास डाइईन प्रेजेंट है, लाइक दिस, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास डाइईथाइल मेलोएट, डाइमिथाइल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डाइईथाइल फ्यूमारेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट होगा, लाइक दिस, यहाँ पे COOET एंड यहाँ पे भी COOET, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन होगी, यहाँ पे हीट प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें COOET की, तो ये ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है, तो अगर इस कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, COOET, अगर यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ इसको वेज से COOET को, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर भी COOET है, तो इसको हम किससे शो करेंगे, इसको हम डैश से शो करेंगे COOET, एंड यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास वेज से शो करेंगे एंड यहाँ पे डैश से, ठीक है। इस तरीके से हमको साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, एक्सो एंड एंडो प्रोडक्ट, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे एक्सो एंड एंडो प्रोडक्ट को, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये डाइईन प्रेजेंट है, डाइईन, इसको हम 1-2 कार्बन को हम लेफ्ट साइड से नंबर देंगे, इसको भी 1-2, सो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, इस रिंग को इसके ऊपर उठा के एग्जैक्ट रखना है, तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज लाइक सिंपली हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको उठा के रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सो प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा, एक्सो प्रोडक्ट, और इसको हम और किस तरीके से शो कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी आएगा, ठीक है, एंड ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, लाइक ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम शो करें इस तरीके से, ठीक है, बाकी लिंक हमारे पास एग्जैक्ट सेम है, एंड देन दिस यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, दिस इज ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं। एंड सेकेंड प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, लाइक हमारे पास डाइईन सेम प्रेजेंट है, प्लस ये जो हमारे पास डाइनोफाइल है इसको हम क्या करेंगे, फ्लिप करके अगर लिखें, फ्लिप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ओ, दिस इज दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब हम किस तरीके से करेंगे, 1-2 यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से 1-2। अब सिंपली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम सिंपली इसको इस रिंग को उठा के 1 के ऊपर रखेंगे, ठीक है। सो ये ओ क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ओ आ गया यहाँ पे हमारे पास, एंड देन दिस, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, अब यहाँ पे हमारे पास ये रिंग आ जाएगी, एंड इस तरीके से हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और ये जो प्रोडक्ट
होगा दैट इज एंडो, ठीक है, ये एंडो प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, तो यहां पे हमारे पास डाइईन प्रेजेंट है एंड यहां पे CH3, यहां पे हमारे पास लगा हुआ है CH3 एंड यहां पे H एंड H प्लस इथीन। अगर इसको हम देखें, यहां पे HH लगे हुए कहां पे, सेम पोजीशन मतलब सिस फॉर्म में लगे हुए हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सिस फॉर्म में ही मिलेगा। लाइक ये डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैच करेगा, अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा एंड ये इस कार्बन के ऊपर, यहां पे साइक्लिक प्रोडक्ट इस तरीके का बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया एक, एंड देन ये जो CH3 है, ये CH3 इसको हम अगर वैद से शो कर रहे हैं, लाइक ये कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास, यहां पे, तो इसको हम शो कर रहे हैं वैद से, तो ऊपर वाला जो हमारे पास CH3 होगा इसको भी हम वैद से शो करेंगे, और H को अगर हम शो कर रहे हैं डैश से, तो यहां पे भी हम इसको डैश से ही शो करेंगे। सो ये हमको मिल गया साइक्लिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमारे पास यहां पे डाइईन प्रेजेंट है, यहां पे हमारे पास CH3 है, यहां पे H है, यहां पे CH3 H, अगर हम यहां पे बात करें किसकी, ये H एंड CH3, तो यहां पे CH3 कहां है, ट्रांस पोजिशन पे, प्लस सेम एग्जांपल है बस यहां पे हमारे पास ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है। सो ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड ये इसके ऊपर, यहां पे हीट, तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड ये जो CH3 है ये यहां पे प्रेजेंट है एंड ये CH3 यहां पे प्रेजेंट है, तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, लाइक यहां पे CH3 को अगर हम शो कर रहे हैं वैद से, तो यहां पे CH3 को हम करेंगे डैश से शो, और H को हम किस तरीके से शो करेंगे, यहां पे डैश से एंड यहां पे वैद से, ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, तो ये हमको साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमको क्या पता चल रहा है, लाइक हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर अगर हमारे पास यहां पे सिस फॉर्म प्रेजेंट है तो हमको प्रोडक्ट भी सिस फॉर्म में ही मिल रहा है, अगर ये ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट भी हमको ट्रांस फॉर्म में ही मिल रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारे पास डील सेलर रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हमको क्या मिल रहा है, सिस के अंदर सिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस के अंदर ट्रांस प्रोडक्ट। तो अब हम यहां पे देखते हैं रिट्रो डील सेलर रिएक्शन क्या है। रिट्रो डील सेलर रिएक्शन, सो डील सेलर रिएक्शन के अंदर हमने क्या स्टडी किया, हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, डाइईन प्लस डाइनोफाइल हीट दे गिव्स साइक्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने ये देखा डील सेलर रिएक्शन के अंदर। जब हम बात करते हैं रिट्रो डील सेलर रिएक्शन की, तो यहां पे जो सबसे पहली कंडीशन है दैट इज टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लाइक इसके अंदर हमको जो साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, अब रिट्रो डील सेलर रिएक्शन के अंदर हमको रिवर्स प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। किस तरीके से देखने को मिलेगा वो हम देख लेते हैं, लाइक ये एक हमारे पास एग्जांपल है और यहां पे हम कंडीशन लगाते हैं रिट्रो डील्स एल्डर की, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे ये जो बॉन्ड है इसका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1,3-butadiene प्लस डाइनोफाइल इथीन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है रिट्रो डील सेलर रिएक्शन के अंदर, सो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है रिवर्स, ठीक है। इस तरीके से सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो द सेकंड एग्जांपल इज दिस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये बोन यहां शिफ्ट हो गया, ये वाला बोन यहां पे शिफ्ट हो गया एंड ये वाला बोन यहां शिफ्ट हो गया, यहां पे भी कंडीशन रिट्रो डील सेलर रिएक्शन की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 1,3-butadiene डाइईन प्लस डाइनोफाइल,
क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइनोफाइल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे है COOCH3 एंड यहाँ पे है हमारे पास CH3। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन क्या है, रिट्रो डील सेल्डर रिएक्शन। तो ये बोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा 1,3-diene प्लस यहाँ पे आ जाएगा COOCH3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, सो रिट्रो डील सेल्डर रिएक्शन के अंदर भी हमको क्या देखने को मिल रही है, ट्रांजिशन स्टेट जो कि हमने देखी थी डील सेल्डर रिएक्शन के अंदर। तो सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पे, रिवर्स रिएक्शन हो रही है डील सेल्डर रिएक्शन के, तो इसी को हम बोलते हैं रिट्रो डील सेल्डर रिएक्शन। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, होप यू आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।